अभी के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो महाराष्ट्र के ठाणे से इस वक्त मिल रही है। महाराष्ट्र के ठाणे से बड़ी खबर, जहां पर ठाणे के भिवंडी में आग का कोहराम देखने को मिला है। डायपर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में आग लगी और फिर आग बहुत तेजी से बढ़ती चली गई। आग की लपटों से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल देखा गया, क्योंकि जब इसमें आग लगी तो आसपास वो फैलती चली गई। लोगों में दहशत हो गई कि कहीं उनके घर, फैक्ट्री या दुकानों तक आग ना पहुंच जाए। आग की लपटों से आसपास के जो इलाकों में दहशत देखी गई, उसके बाद बहुत से ऐसे लोग थे जो बिल्डिंग्स के बाहर चले आए। आग की लपटें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं आग कैसे बढ़ी और फिर फैलती चली गई। डायपर मैन्युफैक्चरिंग ये फैक्ट्री है, यानी कि यहाँ पर डायपर बनाने का काम होता है और यहीं पर आग लगी। आग किस वजह से लगी ये नहीं मालूम। गर्मी का ये जो मौसम है और पारा जो लगातार बढ़ा हुआ है, ऐसे में अलग अलग हिस्सों से बहुत सी आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आपको और हमें ज़रूरत भी है, चाहे वो पहाड़ी इलाके हों, वहाँ जंगलों में आग लग रही है, मैदानी इलाके जहाँ पर घर में आग लग रही है, फैक्ट्री दुकान मकान में आग लग रही है, ऐसे में बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत। और ये जो तस्वीरें हैं ठाणे से आई हुई, ठाणे की भिवंडी में, ये डरा रही हैं। ऐसे ऐसा ही जो डर है, खौफ है, वो आसपास के लोगों ने भी महसूस किया और बिल्डिंग्स खाली करने लगे। उन्हें डर था कि आग बढ़ेगी और फिर फैलते हुए उनकी बिल्डिंग तक आ पहुंचेगी। डायपर मैन्युफैक्चरिंग ये फैक्ट्री है जिसमें आग लगी और फिर बढ़ती चली गई। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दोनों ही तस्वीरों में आग, भयंकर आग की जो लपटें हैं वो फैक्ट्री से बाहर की तरफ निकलते हुए दिख रही हैं। साथ ही साथ जो गहरा काला धुआं है वो बता रहा है कि अंदर बिल्डिंग के भीतर आग किस तरीके से लगी होगी और बढ़ी होगी। डायपर मैन्युफैक्चरिंग का काम इस फैक्ट्री में होता था और डायपर आप समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से उसने आग पकड़ी होगी। जब जब कुछ ऐसी ज्वलनशील चीजें होती हैं, यानी कि जो आग तेजी से पकड़ लें, वहाँ बहुत ज़्यादा दहशत ऐसे ही आग के बाद देखने को मिलती है, जो यहाँ भी देखने को मिली है। चाहे वो फोम फैक्ट्री हो, कपड़ा फैक्ट्री हो या कोई केमिकल फैक्ट्री हो, वहाँ आग तेज़ी से बढ़ती है और ऐसा ही यहाँ भी हुआ। डायपर मैन्युफैक्चरिंग ये फैक्ट्री ठाणे के भिवंडी में, जहाँ पर आग लगी और फिर ये आग बढ़ती चली गई। आग को कंट्रोल करने के लिए फायर फाइटर्स मौके पर पहुँचे, दमकल विभाग की कई गाड़ियाँ पहुँचीं और फायर ब्रिगेड के जरिए आग बुझाने की कोशिशें कैसे हो रही हैं ये आप तस्वीरों के देखिए समझ सकते हैं। तस्वीरों को देखकर पानी की बौछार से आग को बुझाने की कोशिश की गई और घंटों फायर फाइटर्स ने मशक्कत की है आग को बुझाने के लिए। ठाणे के भिवंडी में ये डायपर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है जिसमें आग लग गई और आग का तांडव चारों तरफ देखा गया। आग की लपटें बढ़ती चली जा रही थी, आग की दहशत से आसपास के लोग दहशत में आ गए थे और इस दहशत के बाद जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची तब आग बुझाने की जो कोशिशें हैं वो शुरू की गई। इस तरह आग की जब गुजब घटनाएं आती हैं बहुत ज़्यादा टफ रहता है आग पर पूरी तरह से कंट्रोल पाना और फिर कूलिंग का काम करना। माना कि आग बुझ भी गई लेकिन कुछ चिंगारियां रह जाती हैं, कुछ गर्माहट ऐसी रह जाती है जिससे दोबारा से आग भड़कने का डर रहता है। प्रथमेश मोटांगले मेरे साथ जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज़्यादा अपडेट के साथ। प्रथमेश, आग की लपटें, आग की तस्वीरें बता रही हैं कि आग कितनी ज़्यादा भीषण रही, अभी अपडेट बताइए, क्या पूरी तरह से आग बुझ चुकी है और लगी कैसे थी? जी, अभी अगर बात किया जाए तो वो ठाणे और भिवंडी इलाके में वो आग लगी थी, एक MIDC एरिया था जहाँ पर एक फैक्ट्री थी, उधर आग लगी थी। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण वो आग लगी थी। फिलहाल जो है तुरंत आग लगने के बाद फायर टेंडर्स की जो गाड़ी है वो वहाँ पहुँच गई थी, फायर दमकल विभाग के जो लोग हैं वो वहाँ पहुँच गए थे और आग पे काबू पा लिया गया है फिलहाल के वक्त में। फिलहाल जो अगर आप विजुअल्स की तरफ से देखा जाए तो जो आग की लपटी थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, इसलिए उन्हें थोड़ा टाइम लगा जो आग पर काबू पाने के लिए। फिलहाल ऐसा कोई कैजुअल्टी अगर बात किया जाए वो रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। फिलहाल जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस ऐसी जब सिचुएशन आती है तब जब लोग रहते हैं वो अंदर किस कारण वो आग लगी है ये कहना थोड़े टाइम लगा है, क्योंकि पूरी तरीके से जब आग पे काबू पाया जाता है उसके बाद ही जब इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू होती है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट कारण ये इतनी बड़ी आग लगी हुई थी। फिलहाल जो है इसमें किसी की भी जानहानी का दावा नहीं किया गया है। कि अभी आग बुझा ली गई है और कोई इसमें हताहत नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ी राहत की बात। आगे जो भी अपडेट होगा प्रथमेश आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर।